लार्जर देन लाइफ और हॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का एक अलग ही स्थान है। टॉम क्रूज जैसा सुपरस्टार जब एक असंभव से मिशन पर निकलता है तो रोमांच अपने शिखर पर पहुंच जाता है। फिल्म का एक्शन तो प्लस पॉइंट रहता ही है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतनी सफाई से लिखा जाता है कि दर्शकों को हर पल चौकन्ना रहकर स्क्रीन पर घट रहे हर घटनाक्रम पर आंख लगाए रखना पड़ता है। इस सीरीज के 6 पार्ट आ चुके हैं और अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि अब थकान होने लगी है। 61 साल की उम्र में टॉम क्रूज तरोताजा लगते हैं और मेकर्स के पास भी देने के लिए बहुत है। सीरीज का 7वां पार्ट मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 दो भागों में बटा हुआ है, जिसका पहला पार्ट रिलीज हुआ है। यदि किसी ने अब तक मिशन इम्पॉसिबल का एक भी भाग नहीं देखा है तो वो दर्शक 7वां पार्ट देखने आसानी से जा सकता है और उसे फिल्म समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। नए दर्शकों को जोड़ने के लिए इसे इस तरह से बनाया गया है कि यदि आपको इस सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं। दुनिया में इस समय एआई के चर्चे हैं और इसकी झलक मिशन इम्पॉसिबल 7 में भी मिलती है। इशारा दिया जाता है कि आने वाले समय में यह विलेन बनकर तबाही मचा सकता है, क्योंकि कंट्रोल तो इंसान के हाथों में ही होता है। इथन हंट के सामने एक बेहद कठिन मिशन है जिसे उसे हर हाल में अंजाम देना है। अपने टेक्निकल फील्ड एजेंट डेंजिल डन, MI6 एजेंट लीसा और IMF कंप्यूटर टेक्नीशियन लूथर के साथ वह ऐसी चाबी की तलाश में निकल पड़ता है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। चाबी के इन दो हिस्सों को जोड़कर कुछ ऐसा खोला जा सकता है जिससे विनाश हो सकता है। चाबी के पीछे कई लोग पड़े हुए हैं। कहां हैं चाबी के दो हिस्से? इनसे क्या खुल सकता है? ऐसा क्या है जिससे सर्वनाश हो सकता है? इन सवालों के जवाब भी हंट को खोजने हैं और यह सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ब्रूस गेलर की कहानी पर आधारित इस मूवी का स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मैक्वेरी और एरिक जेंडरसन ने लिखा है। स्क्रीन प्ले खूबसूरती के साथ लिखा गया है और सीक्वेंसेस सफाई के साथ जोड़े गए हैं। जॉइन द डॉट्स वाला प्लॉट और थ्रिलिंग एक्शन के जरिए मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 से दर्शक पूरी तरह से जुड़े रहते हैं और इथन हंट के साथ वे भी मिशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर फिर लेखक कमाल दिखाते हैं। पहले हाफ में आप सोचते हैं कि आगे ऐसा होगा, लेकिन फिल्म आपको चौंकाते हुए कुछ और ही दिखाती है। दूसरा हाफ जरूर थोड़ा धीमा होता है और ब्लॉकबस्टर मूवी में जिस तरह के सीन होते हैं, जैसे भव्य पार्टी में सारे किरदारों का इकट्ठा होना और ट्रेन वाला क्लाइमैक्स जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तब तक आप फिल्म में इतने रम गए होते हैं कि अनेक बार देखे गए ये सीक्वेंस और स्टंट्स भी दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। अरेबियन रेगिस्तान से शुरू हुई फिल्म अबूधाबी, US, रोम, वेनिस होती हुई ऑस्ट्रिया की घाटियों में जा पहुंचती है। हर नए मोड़ पर किरदारों की एंट्री, रोमांचक उतार चढ़ाव और एक्शन का डोज फिल्म को देखने लायक बनाता है। फिल्म में बातचीत के कुछ लंबे दृश्य जरूर हैं जो फिल्म की तेज रफ्तार को धीमा करते हैं, लेकिन इनमें बोले गए संवाद ड्रामे के लिए जरूरी थे। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 इसलिए भी असर दिखाती है कि यह पूरी तरह से एक्शन पर निर्भर नहीं है। एक्शन के पीछे ठोस आधार तैयार किया गया है जिससे ये एक्शन सीन जस्टिफाई होते हैं। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन और मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के बाद क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में भी डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली है। वे जानते हैं कि सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण टॉम क्रूज हैं। टॉम के स्टारडम और चार्म को उन्होंने होशियारी के साथ इस तरह से पेश किया है कि टॉम का प्रेजेंस दर्शकों को जकड़ लेता है। क्रिस्टोफर की तारीफ इसलिए भी की जा सकती है कि उन्होंने कहानी और अपना प्रस्तुतिकरण इस तरह का रखा है कि इस सीरीज का इतिहास जाने बिना भी कोई इसे देख सके। कहानी के रोमांच को बनाए रखने में क्रिस्टोफर ने सफलता हासिल की है। सही समय पर ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस रखकर वे दर्शकों को जोड़े रखते हैं। क्रिस्टोफर ने अपनी बात कहने में 2.5 घंटे का समय लिया है, जिस पर कुछ को आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह इसलिए जरूरी था कि इस सीरीज के फैंस पेट भर के देखना चाहते हैं।
मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग दो पार्ट में है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि पहला पार्ट भी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको संतुष्टि देता है। दूसरे पार्ट में कुछ प्रश्नों के और जवाब मिलेंगे जो इथन हंट खोजेगा। टेक्निकली फिल्म लाजवाब है। सिनेमाटोग्राफी, लाइट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, लोकेशंस, आर्टवर्क वर्ल्ड क्लास हैं। एक्शन सीन का उल्लेख किए बिना मिशन इम्पॉसिबल के बारे में बात खत्म नहीं हो सकती। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में भी चेस सीक्वेंस है जिसमें फन एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। आबू धाबी एयरपोर्ट का हाइड एंड सीक गेम बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। रोम का कार चेस हंसाता भी है और रोमांचित भी करता है। क्लाइमेक्स में ट्रेन में फिल्माया गया सीक्वेंस और एक्शन में आप पलक भी नहीं झपक सकते। हाँ, ये सीक्वेंस आपको पुरानी फिल्मों की याद जरूर दिलाएंगे जिनमें ये कई बार दोहराया जा चुका है। इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस रियल लगते हैं, वे रोबोटिक नहीं लगते। इस मामले में फिल्म पुराने दौर की एक्शन फिल्मों को फॉलो करती है। एक्शन सीन रियल लगने की एक वजह यह भी है कि टॉम क्रूज खुद ये सीन करते हैं। फिल्म के रिलीज के पहले ही उनके उस फुटेज ने इंटरनेट पर रिकॉर्ड तोड़ डाले थे जिसमें वे एक ऊंचे पहाड़ से बाइक के जरिए नीचे खाई में छलांग लगाते दिखाई देते हैं। इससे फिल्म के एक्शन दृश्यों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जब छलांग लगाने वाला सीन स्क्रीन पर आता है तो सांसें थम जाती है। यहाँ पर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दिया गया है जिससे इसका असर डबल हो गया है। 61 साल के टॉम क्रूज की फिटनेस लाजवाब है। वे इस बात की मिसाल है कि व्यक्ति इतनी उम्र में भी हैंडसम और फिट रह सकता है। एक्टिंग के वे अपने उन मैनरिज्म को दोहराते हैं जो उनके फैंस को अच्छी लगती है। एक्टिंग में वे अपने चार्म का उपयोग करना बखूबी जानते हैं। एक्शन सीन उन्होंने शानदार तरीके से किए हैं और मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का भार उन्होंने एक बार फिर अपने मजबूत कंधों पर शानदार तरीके से उठाया है। ग्रेस के किरदार में हेले एटवेल टॉम क्रूज के साथ कंधे से कंधे मिलाते नजर आई और अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रही। टॉम के साथी के रूप में विंग रैम्स और साइमन पेग ने अपनी फनी वन लाइनर से दर्शकों का मनोरंजन किया है। रेबेका फर्ग्यूसन को ज्यादा फुटेज नहीं मिले, लेकिन वे अब एमआई सीरीज का जरूरी हिस्सा बन गई हैं। ब्लैक मार्केट आर्म्स डीलर एलाना के किरदार में वेनेसा किर्बी की एक्टिंग जबरदस्त है। वे बेहद शातिर लगती हैं। एसआई मोरोलेस, पोम क्लेमेंटी एफ, हेनरी कजरनी सहित अन्य सारे कलाकार अपने किरदारों के साथ न्याय करते हैं। पॉपकॉर्न के बड़े टब और कोला के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी का मजा लेना है तो मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग को बिग स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।